आज शिर्डीत दिवसभर ढगाळ वातावरण असल्याने शिर्डीच्या दिशेने आलेल्या भोपाळ, दिल्ली, बेंगलोर आणि मुंबई ही विमाने शिर्डी एअरपोर्टवर न उतरताच परत गेली. तर संध्याकाळी 4:30 सुमारास दिल्लीहून आलेल्या विमानाचे लँडिंग झाले आणि 180 प्रवासी घेऊन परत दिल्लीच्या दिशेने टेकअप करण्याच्या तयारीत असताना उड्डाणासाठी व्हिजिबिलिटी मिळत नसल्याने दिल्लीला जाणाऱ्या या विमानाचंही टेकअप रद्द झाले असून या विमानातील प्रवाशांची विमान कंपन्यांनी शिर्डीत राहण्याची तसेच कुठल्याही प्रकारची व्यवस्था केली नसल्याने प्रवाशांचे हाल झाले आहे. ऍक्च्युली हम लोग आज मॉर्निंग में शिर्डी दर्शन के लिए आए फ्लाइट से और रिटर्न फ्लाइट हमारी 425 की थी स्पाइस जेट की जो दिल्ली से सॉरी शिर्डी से दिल्ली को जो जा रही थी. हम लोग सब लोगों ने प्लेन बोर्ड किया 425 को. सब प्लेन के अंदर थे ऑलमोस्ट 150 से 200 पैसेंजर्स. उसके बाद रेन स्टार्ट हो गई. रेन स्टार्ट होने के बाद ये कंटिन्यूसली बोलते रहे कि विजिबिलिटी कम है, हमको ATC से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है. वो कंटिन्यूसली चल रहा है. ऑलमोस्ट 3 आवर्स हम प्लेन के अंदर में फंसे हुए थे. उसके दौरान आई थिंक एज पर द रूल आफ्टर 1-1.5 आवर हमको फ्री में कुछ पानी या कुछ तो ब्रेकफास्ट या कुछ तो मिलना चाहिए. स्पाइस जेट वाले उसको भी कंटिन्यूसली सेल कर रहे थे सारे प्रोडक्ट. 3 घंटे तक सेल किया. उसके बाद बोला फ्लाइट कैंसिल हो गई. हम सब उतर के इधर आए. उसके बाद हमको SMS आ गया कि आपका रिफंड ले लो और रीबुक कर लो फ्लाइट्स. कई लोगों ने फ्लाइट्स भी देखी. उसका कॉस्ट करीब 12,000 कल की फ्लाइट का 12,000 रुपये. तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे हंगामा किया. इनको स्पाइस जेट वालों को काफ़ी घेर वेर के बात भी की. तब उन्होंने शायद बात करके अपना अभी हमको SMS आया है कि कल सुबह 9:35 को रिस्केड्यूल हुआ है फ्लाइट सब्जेक्टेड टू वेदर क्लियर कंडीशन. बट बहुत परेशान वहाँ पे मैंने देखा पूरे लेडीज लोग छोटे छोटे बच्चों को बेल्ट कन्वेयर पे रख के दूध पिला रहे हैं. करीब करीब 150-200 होंगे. वो तो सिर्फ दिल्ली के थे. और भी मैंने सुना भोपाल की भी फ्लाइट कैंसिल हुई है. हाँ, 4 फ्लाइट कैंसिल हुई. बट कितने पैसेंजर्स होंगे अंदर हमारी फ्लाइट में? नहीं, कुल जो टर्मिनल बिल्डिंग में है. हम लोग जब निकले तो मोस्टली हमारी फ्लाइट के ही थे. बाकी तो शायद चले गए थे. बट हमारी फ्लाइट वालों ने वहाँ पे ज्यादा थोड़ा सा इनको प्रॉपरली अपोज किया कि ये क्या कर रहे हैं सर. कई तो पेशेंट डायबिटीज के पेशेंट्स थे. 2-2, 3-3 घंटे से भूखे थे. कोई ना वाटर ना कुछ कोई फैसिलिटी नहीं है एयरपोर्ट पे. कोई बताने वाला ही नहीं था. ऑलमोस्ट हमको ये मिला है करीब करीब 9:30-10 बजे के करीब करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली कि कल फ्लाइट रीशेड्यूल है. उसके पहले कोई बताने वाला कोई कुछ नहीं. पैसा तो हम ही उठा रहे हैं. अभी स्पाइस जेट से तो हमने बोला था लेकिन वो बोले कि हमारी तो स्पाइस जेट की तरफ से कोई गलती नहीं थी ये, और जो ATC की गलती थी. तो हमने उनको काफी बोला कि होटल और ये सब का जो भी है, बट वो तो कुछ माने नहीं. यहाँ तो कैसे आया? किसके खर्चे? मैं तो टैक्सी से, खुद ही के खर्चे से आया. कई तो मेरे ख्याल से अभी भी एयरपोर्ट पे सो रहे हैं वहाँ पे. पता नहीं मेरे को, बट कई लोगों ने बोला हम तो एयरपोर्ट खाली भी नहीं करेंगे. कई लोग तो सो रहे हैं मेरे ख्याल से वहाँ पे. कई ओल्ड एज है, लेडीज है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं. वो अभी भी मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं तो फिर निकल आया. मेरे से ज्यादा फिर दिल्ली, भोपाळ, बेंगलोर आणि मुंबई येथे जाण्यासाठी 400 प्रवाशांनी आपली तिकीट बुक केलेली होती. मात्र खराब हवामानाचा फटका विमानाच्या टेकअपला झाल्याने ही विमाने शिर्डीत न उतरता परत गेली. त्यामुळे शिर्डीत येणाऱ्या प्रवाशांबरोबर शिर्डीतून बाहेर जाणाऱ्या विमान प्रवाशांची हाल झाली. साईबाबा इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर विमानांचे लँडिंग व टेकअपसाठी 5 किलोमीटर अंतराची व्हिजिबिलिटी आवश्यक असते. आज सोमवारी सकाळपासूनच ढगाळ पावसाच्या वातावरणामुळे विमानांच्या टेकअप लँडिंगसाठी 3 किलोमीटरच्या आत व्हिजिबिलिटी मिळत असल्याने विमानांचे लँडिंग आणि टेकअप रद्द झाले आहे. मंगळवारी वातावरण चांगले झाले आणि व्हिजिबिलिटी मिळाली तर नियमित लँडिंग आणि टेकअप करण्यात येईल असे शिर्डी एअरपोर्ट डायरेक्टर दीपक शास्त्री यांनी माहिती दिली आहे. प्रतिनिधी संदीप दवंगेसह सुवर्णा ताकटे, SP24 शिर्डी.